सुरजेवाला जी, आपकी सबसे ट्रेंडिंग न्यूज है कुमारी शैलजा का जो अपमान हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उसको लेकर के मनोहर लाल खट्टर बयान देते हैं कि भाई शैलजा यदि बीजेपी में आती है तो हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस को झटका, हुड्डा गुट को झटका, रणदीप को झटका, किसको झटका, कौन लटका कौन अटका? दीपेंद्र हुड्डा कल कलायत में आए और एक बार भी आपके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, आपको इनविटेशन भी दिया होगा शायद, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? जब अभिमन्यु उसमें चक्रव्यूह में गया था तो उसको अंदर जाने की तो कला सिखाई थी, बाहर निकलने का नहीं पता था, तो अब आपको सारी कलाओं से निपुण करके आदित्य को उतारा या कुछ रहेगी कमी? सामने आप तस्वीरों में आप देखोगे रणदीप सिंह सुरजेवाला को, आप तस्वीरों में देख रहे हो और ये जनसभा को संबोधित करने पहुंच गए हैं और ये भारी भरकम स्वागत के बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंच चुके हैं समर्थकों के बीच में। और ये देखो आप रणदीप सिंह सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो सामने आप देख रहे हो तस्वीरों में, ये आप देखो रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो फिलहाल सवाल जो है वो बहुत बुनियादी सवाल है, कुमारी शैलजा का अपमान हुआ उसको लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या बोलेंगे? फिलहाल ये देखो, ये तस्वीरों में रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप देख रहे हो सामने तस्वीरों में, स्वागत के बीच में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके जो सुपुत्र हैं आदित्य सुरजेवाला फिलहाल कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है कैथल से। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हो और ये आप देखो, पहले ये देखो आप, ये देखो हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ चुके हैं, मंच की तरफ बढ़ चुके हैं, मंच से हाँ सुरजेवाला चलिए। अरे भाई दे दो साइड दे दो भाई, चलो ये आप देखो बुजुर्गों का मान सम्मान लेते हुए साथ साथ में अपनी जो माला है निकाल के इनके समर्थकों को भी डाल रहे हैं साथ साथ में। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक पहचान रही है, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला समर्थकों के बीच में पहुंच गए हैं। शहीद भगत सिंह कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी के जो कॉलोनी वासी हैं उनकी एक जनसभा को संबोधित कर रणदीप सिंह सुरजेवाला कैसे हो भाई साहब? अरे भाई साहब ये सारी सबसे कैसे हो भाई साहब? सबसे सटीक पत्रकार का स्वागत है ये। और फौजीवा यादव भाई सुरजेवाला जी अपनी अपनी कुर्सी में बैठ गए। सुरजेवाला जी एक मार्च फौज जगह पर आओ क्योंकि यू पार्किंग ने सजाया सारा बिना सरकार की मदद है। हाँ ये वो कह रहे फौजी जी मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, इसके तो दो पर है, दो कट्ठिया डाल लो इसके, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत कर रहा जी, मेहनत कर रहा जी। तो दरबारा भाई भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने इस पार्क को बनाया, कह रहे फौजी ने सजाया, दो ही तीन मिनट दोनों शब्द बिल्कुल सच्चे हैं। फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आपको संबोधित करेंगे, दो ही मिनट का काम है करते जी। चलो मोहित हो जा बेटे, चलो फिलहाल रणदीप सिंह सुरजेवाला जनसभा को संबोधित करने पहुंच गए जी जी। तो एक बार तो पहले हमारे दर्शकों ने राम राम आ दी, सारे आपके दर्शकों को और सारे भाइयों को मेरी राम राम जी। और दिल की गहराई ऊपर परमात्मा आपके पूरे परिवार पर हमेशा खुशबू बनाए रखे। सुरजेवाला जी आपकी सबसे ट्रेंडिंग न्यूज है कुमारी शैलजा का जो अपमान हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उसको लेकर के मनोहर लाल खट्टर बयान देते हैं कि भाई शैलजा यदि बीजेपी में आती है तो हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस को झटका, हुड्डा गुट को झटका, रणदीप को झटका, किसको झटका, कौन लटका कौन अटका? अभी तो खट्टर साहब लटके हुए हैं क्योंकि उनको तो मोदी जी की सभा में भी नहीं आने दिया कुरुक्षेत्र, उन पे तो बैन लगा रखा है भाई। खट्टर साहब आए और वोट कटी, मैं तो मेरे तो बुजुर्ग हैं खट्टर साहब, तो बुजुर्ग के तौर पे तो ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये तो काम कर दिया आपने, बात की बात रात की रात ना, बुजुर्ग के तौर पे मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, पर ऐसा है वो अपने टाबर को संभाल लें और खुद को संभाल लें, यही बहुत है। मैंने तो सवाल कुछ और किया था, जवाब कुछ और दे दिया आपने, ये तो जलेबी डाल घुमा दिया आपने।
मतलब सैलजा को लेकर के मुझे तो ये लग रहा है कि उनकी सलाह ना हो कांग्रेस में आने की, खुद की इस करके हमें ना कह रहे। वीडियो के ऊपर कुछ आप टिप्पणी देंगे जी? अपनी वीडियो वायरल हुई है, कुछ आपत्तिजनक बातें बोली गई है सैलजा को लेकर। ऐसा है, सैलजा जी और मेरा बड़ी बहन और छोटे भाई का रिश्ता जग जाहिर है जी। चौधरी दलबीर सिंह जी और मेरे पिताजी का रिश्ता सगे भाइयों से बढ़ के था जी। और सैलजा जी और मैं दोनों जी। लोगों की आदत है अक्सर लीडरों को गाली देते रहना। एक हमारे भी अलीला राम, वो भी गाली देता फिरे सबको, ठीक है जी। परंतु हम उनकी गालियां उन्हीं को वापस दे देते हैं, अच्छी बातें ले लेते हैं। अच्छा, आपके सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला मैदान में है तो ऐलान जंग चल रही है, कयामत की रातें गुजर रही है, क्या कोई टक्कर है, टकराव है, फाइट है या एक तरफा है, क्या लगता है? पहले तो मैं पब्लिक से पूछ लेता हूँ, आदित्य सुरजेवाला की किसी से टक्कर है, एक तरफा है? बताओ बताओ बताओ। अच्छा जी, क्योंकि अच्छा जी, रणदीप सुरजेवाला जी आप मंझे हुए राजनेता रहे हो, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है, आपको क्या लगता है आदित्य सुरजेवाला को सारे गुर सिखाए हैं आपने? क्योंकि जब अभिमन्यु उसमें चक्रव्यूह में गया था तो उसको अंदर जाने की तो कला सिखाई थी, बाहर निकलने का नहीं पता था, तो अब आपको सारी कलाओं से निपुण करके आदित्य को उतारा या कुछ रहेगी कमी? मैं तो एक ही बात सिखाई है जी, काम काम और काम, सेवा काम करो, काम करो बस, और कुछ नहीं सिखाया। देखो आपको अब आपका कंपटीशन खुद से है, क्योंकि अभी दरबारा भाई को मैं सुन रहा था, दरबारा भाई आपकी तारीफ में काफी सारी बातें कर रहे थे और वो प्रैक्टिकल बातें भी हैं। अब कंपटीशन खुद से, आपने बहुत काम करवाया है मान लीजिए यहाँ पे, अब आपका सपोज करो आपका बेटा विधायक बन जाता है और शायद सरकार में मंत्रालय भी आए यदि सरकार आएगी तो फिर उस स्थिति में क्या नया बड़ा बदलाव का कोई ब्लूप्रिंट आप लोगों के पास है? बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है, मैं अभी आपके सामने बताऊंगा जी। कैथल शहर में पहले तो सारा टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक करेंगे जी। और अधूरे प्रोजेक्ट हैं यहाँ एक दर्जन के करीब जी। जो मैं बनाने लग रहा था बीच में छूट गए, 10 साल से इन्होंने नहीं वहाँ ईंट भी लगाई जी। वो सारे हमें पूरा कर रहे हैं जी। और इस शहर को मंदिर की तरह सजाना है, बनाना है और बढ़ाना है। आखिरी सवाल है सुरजेवाला जी, करेले जैसा मीठा सवाल है, दीपेंद्र हुड्डा कल कलायत में आए और एक बार भी आपके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, आपको इनविटेशन भी दिया होगा शायद, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? सब अपनी अपनी जगह प्रचार कर रहे हैं जी। आप हमें क्यों बिड़ाने की कोशिश नहीं, नहीं, नहीं। सुनो, पत्रकार का काम सवाल करना है जी, बिड़ाने ला वैसे एक जनरल हेल्थी डिस्कस है, कोई मैं इरिटेशन वाला सवाल नहीं है क्योंकि आपके मेरे से तो मैं इरिटेट हो ही नहीं सकता। तो फिर भी कोई इसको लेकर के आप कुछ अपनी तरफ से मान लो, क्या जरूरत क्या, सारे अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। चलो, रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े मुझे राजनेता हैं और फिलहाल मंच से ब्लूप्रिंट जी भगत सिंह कलोने की तरफ से लड्डू से तोला जाएगा, मंच से ब्लूप्रिंट बताएंगे अपना रणदीप सिंह सुरजेवाला लड्डुओं से तोल करके उनका स्वागत पहले जी प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद फिर लड्डू वाला प्रोग्राम कर लेंगे। चलो ठीक है, स्वागत है जी। तो मैं इतना लड्डुओं की जगह हो जाएगी और भी चलिए ये देखिए आप फिलहाल रणदीप सिंह सुरजेवाला इस जनसभा को संबोधित करेंगे, डिफेंस कॉलोनी और शहीद भगत सिंह कॉलोनी के जो पगड़ी के द्वारा स्वागत किया गया रणदीप सिंह सुरजेवाला का, सबकी पैर है जी, बिल्कुल स्वीकार करे। आना पड़ेगा इधर, इधर से यहाँ से प्रेमचंद जी कॉलोनी से भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला स्वागत कर रहे हैं, मैं इनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और सुरेश कुमार जी भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। बस